Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 11. In chapter number 11, our topic is India's foreign policy. The Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru wanted the presence of India to be felt internationally. Pandit Jawaharlal Nehru ही चाहते थे कि हमारे जो इंडिया है वो अपने आप को फ्री इंडिपेंडेंट वो भी इंटरनेशनली फील करे. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. वो सच से और नॉन वायलेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. गांधी जी इन द इंटेलिजेंस ऑफ द इंस्टीन एंड बेटन रसेल देयर फॉर ही वॉन्टेड टू डेवलप अ फॉरन पॉलिसी दैट वुड स्ट्राइव टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज एंड द न्यूक्लियर एंड जनरल डिसआर्ममेंट. इसीलिए वो यही चाहते थे कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे यहाँ पर शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहे कंट्री और न्यूक्लियर और जनरल डिसआर्ममेंट के लिए. नेहरू ऑल्सो विश्ड टू एक्सटेंड इंडिया सपोर्ट टू दोज कंट्री हु वर स्टिल अंडर द कॉलोनियलिज्म एंड इम्प्रिजन. एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू प्रमोशन of peace and harmony in the world. इसलिए जो नेहरू जी की जो इच्छा थी वो यही थी कि इंडिया को जो जो भी कंट्रियाँ सपोर्ट कर रही है जो जो भी देश सपोर्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्वक रहें. और उसी समय वो यही चाहते थे कि जो शांति है वो पूरी दुनिया में फैली रहे. विद दिस ऑब्जेक्ट इन माइंड नेहरू फ्रेम्ड फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस और द पंचशील. नेहरू ऑल्सो साइन द एग्रीमेंट विथ द प्रीमियर जो एनलाइ ऑफ द चाइना ऑन द 29th अप्रैल 1954 फॉर द इनेक्टमेंट पंचशील. इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य को माइंड में रखते हुए जो पांच प्रिंसिपल थे शांति के जिनमें पंचशील कहा जाता है इस पर नेहरू जी ने साइन किए. कब साइन किए थे? 29th अप्रैल 1954 को. द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. पंचशील के पांच प्रिंसिपल ये थे. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी इंटीग्रिटी. म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाए. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन किया जाए. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द ईच अदर इंटरनेशनल अफेयर्स. अपने अपने इंटरनल अफेयर के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करें. इक्वलिटी इन द म्यूचुअल बेनिफिट. समानता प्रदान की जाए. पीसफुल को एग्जिस्टेंस शांति बनाए रखें. इंडिया एंड इट्स नेबर्स. इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान. हमारी इंडिया की जो पाकिस्तान है वो कहाँ कहाँ से लगी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. The island country of Sri Lanka and the Maldives situated in the Indian Ocean. जो Sri Lanka और Maldives जो है वो Indian Ocean में situated है. They are also India's neighbor. ये भी हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं. India's relation with the neighbors have generally been harmonious. Difference have occasionally cropped up over the global issue as well as the regional issue such as the border definition and water sharing. Most of these have been sorted out through the bilateral negotiation. और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही शांतिपूर्वक है. और जो डिफरेंट ओकेशन आते हैं वो सभी अपने अपने निपटा लेते हैं. और जो वाटर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी हैंडल कर लेते हैं. और इंडिया भी उनको सपोर्ट करता है. कुछ कुछ इनके जो इश्यूज रहते हैं जैसे ग्लोबल इशू है और रीजनल इशूज हैं वो हर कंट्री में चलते रहते हैं तो उन्हें भी शॉर्ट आउट करना होता है. बायलेटरल नेगोटिएशन के थ्रू भी
सॉल्व कर लेते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।